की अग्निपथ स्कीम पर देश भर में विरोध हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार से निकली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। एक तरफ मामा शिवराज जहां इस अग्निपथ स्कीम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती किए जाने के निर्णय को लेकर ग्वालियर में युवाओं में आक्रोश भड़क गया है। इसके विरोध में आज युवाओं की भीड़ गोला का मंदिर चौराहे पर जमा हो गई। इसके बाद शुरू हुआ उत्पात, जिसके कारण चारों तरफ का ट्रैफिक थम गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गई है। उधर युवाओं ने यहां पे हंगामे के दौरान सड़क पे लकड़ियों एवं कागजों के जरिए आग लगा दी है। ऐसे में आक्रोश भड़कते देख पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंचकर युवाओं से बात करके हंगामा शांत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उधर युवाओं का स्पष्ट कहना है कि वह पिछले 2 साल से मैदान में पसीना बहा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की जाएगी, यह सरासर अन्याय है। ये आंदोलन की केवल शुरुआत है, यदि आदेश में बदलाव नहीं किया गया तो आंदोलन विकराल रूप धारण कर लेगा। वहीं दरअसल ग्वालियर में कुछ साल पूर्व भी सेना भर्ती के दौरान युवा इसी प्रकार से सड़कों पर उतर आए थे। तब हंगामा मेला ग्राउंड से शुरू हुआ, फिर गोला का मंदिर और स्टेशन बंजरिया तक पहुंच गया था। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने कई वाहनों को आग लगा दी थी और जमकर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में भी खूब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही ट्रेन की बोगियों में भी आग लगा दी गई है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।